आज डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर से, और ये थर्ड चैप्टर है एनसीईआरटी क्लास 12th बायोलॉजी के लिए। जो पहला टर्म है वो है स्कोटम। जो मेल में टेस्टिस हैं वो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर ग्रोथ करते हैं, उनकी हेल्दी ग्रोथ के लिए, या उनमें जो स्पर्म डेवलप हो रहे हैं उनकी हेल्दी ग्रोथ के लिए। बॉडी का जो टेम्परेचर है, जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास, उससे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए, वो ऑप्टिमम टेम्परेचर है अपने स्पर्म की ग्रोथ के लिए। तो बॉडी से बाहर वो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर स्कोर्टम में मिलता है। वो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर टेस्टिस सेफ रहते हैं, टेस्टिस में स्पर्म हेल्दी ग्रोथ करते हैं। अगला टर्म है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। 1 से लेकर 3 तक हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स मिलती हैं जिन्हें कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। हर टेस्टिस में 250 के आसपास कुछ चैम्बर्स होते हैं, कुछ पार्टीशंस होते हैं। हर लोब्यूल में 1 से 3 तक कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स होती हैं, और इसकी जो दीवारें हैं, इंटरनल वॉल है, वो बनी होती है 2 टाइप की सेल्स से, मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल्स से। 2 टाइप की सेल्स होती हैं। जो मेल जर्म सेल है वो स्पर्म डेवलप करती है, और सर्टोली सेल्स उनको नरिश करने का काम करती है, उनको दाना पानी खिलाने का काम करती है। नेक्स्ट टर्म है लीडिंग सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स। दोनों ही नाम है इसके, लीडिंग सेल्स है, दूसरा नाम है इंटरस्टिशियल सेल्स। ये एंड्रोजन्स हार्मोन सिक्रीट करती। नेक्स्ट है यूरिथ्रल मीटर्स। जो मेल यूरिथ्रा है, जहाँ से यूरिन भी आ रहा है साथ में स्पर्म भी आ रहे हैं, उसकी एक्सटर्नल ओपनिंग को कहते हैं यूरिथ्रल मीटर्स। अगला है फोरस्किन। जो मेल का पेनिस है या जो प्राइवेट पार्ट है, उसका सबसे आगे वाला जो पोर्शन होता है, आगे वाला हिस्सा है, उसको ग्लांस कहते हैं। उस ग्लांस के ऊपर एक लूजली अटैच्ड स्किन होती है जिसे कहते हैं फोरस्किन। वो ग्लांस को कवर भी कर सकती है और फोल्ड भी हो सकती है। और नेक्स्ट कुछ एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं। ये ग्लैंड्स हैं सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। ये तीनों ग्लैंड्स मिलकर सेमिनल प्लाज्मा सिक्रीट करती है, सीमन बनाती है, जिसमें फ्रैक्टोज होता है, कैल्शियम होता है, कुछ एंजाइम्स होते हैं, और इसी सेमिनल प्लाज्मा या सीमन की वजह से स्पर्म का शेल्फ लाइफ बढ़ जाता है। साथ ही साथ जो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है वो पिनिस को लुब्रिकेट भी करती है, चिकनाहट बनाए रखती है। नेक्स्ट टर्म की बात करें तो आता है इनफंडिबुलम, फिम्ब्री, एम्प्यूला, इस्थमस। ये सब फेलोपियन ट्यूब के कुछ पार्ट्स हैं, कुछ हिस्से हैं। अगर अपने सबसे आगे वाले पोर्शन की बात करें, यूटेरस से दूर जाना है अपने को, वॉर्म से दूर जाना है, सबसे आगे वाले हिस्से की बात करें तो उसे कहते हैं इनफंडिबुलम। ये फेलोपियन ट्यूब का सबसे एक्सटर्नल पार्ट है, सबसे आगे वाला हिस्सा है, जो ओवेरी के बिल्कुल पास होता है, सबसे पास होता है। और इसी इनफंडिबुलम में कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, उंगलियों जैसे कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देती है, जिन्हें कहते हैं फिम्बरी। और इनका काम क्या है, ओवेरी से जब ओवा बाहर आता है, एग बाहर आता है, तो उसको कलेक्ट करने का काम फिम्बरी करता है। ऐसे एम्प्यूला है, ये सबसे वाइडर पार्ट है फेलोपियन ट्यूब का, आप देख सकते हैं। इस्थमस, ये लास्ट पार्ट है फेलोपियन ट्यूब का, जो कि यूटेरस से ज्वाइन करता है, यूटेरस में जाकर ओपन होता है। अब आता है यूटेरस क्या है, वॉर्म क्या है। यूटेरस या वॉर्म का जो शेप है वो पेयर की तरह दिखाई देता है, जैसे उल्टा नाशपाती या फिर उल्टा पेयर रख दिया हो। यूटेरस की जो वॉल है उसमें 3 लेयर मिलती हैं। सबसे बाहर वाली लेयर को कहते हैं पेरिमेट्रियम, बीच वाली लेयर को कहते हैं मायोमेट्रियम, और थर्ड इनर मोस्ट लेयर को कहते हैं एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम लेयर जो कि सबसे इनर मोस्ट लेयर है, उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान कुछ साइक्लिक या रिदमिक चेंजेस आते हैं, काफ़ी सेंसिटिव होती है ये। और मायोमेट्रियम जो कि एक मिडल लेयर है यूटेरस की, उसका काम होता है कंट्रैक्ट करना यूटेरस को। डिलीवरी के टाइम यही मायोमेट्रियम है, वो कंट्रैक्ट होकर बेबी को या इन्फेंट को बॉडी से बाहर धकेलने का काम करता है। लास्ट टर्म में कुछ एक्सटर्नल जेनिटिलिया हैं। एक्सटर्नल जेनिटिलिया का मतलब ऐसे जेनिटल पार्ट्स हैं जो बॉडी से बाहर होते हैं, अंदर नहीं होते हैं। जैसे मॉन्स प्यूबिस है, मॉन्स प्यूबिस है वो आउटर एरिया है, स्वेलन पार्ट है, जिसमें लेविया मेजोरा और लेविया माइनोरा सिचुएटेड होते हैं। इसी रीजन के ऊपर प्यूबिक हेयर्स आते हैं। लेविया मेजोरा और लेविया माइनोरा मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर हैं जो वजाइनल ओपनिंग को, वजाइना की जो ओपनिंग है उसको कवर करके रखते हैं। हाइमन है, उसी वजाइनल ओपनिंग पर एक झिल्ली पाई जाती है, मेम्ब्रेन होती है जिसे कहते हैं हाइमन, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान हट जाती है या फट जाती है, जिसे ब्लीडिंग होती है।
क्लाइटोरिस की बात करते हैं, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जो वजाइनल ओपनिंग के बिल्कुल ऊपर लगी होती है। जो ह्यूमन फीमेल है उसमें यूरिन के लिए अलग से ओपनिंग होती है, यूं कहें कि यूरिथ्रा की अलग से ओपनिंग होती है, वजाइना की अलग से ओपनिंग होती है। तो जो यूरिथ्रल ओपनिंग है उसके बिल्कुल ऊपर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे कहते हैं क्लाइटोरिस। यहाँ से सेंसेशंस है वो जनरेट होते हैं ड्यूरिंग इंटरकोर्स। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन समझ में आया होगा। कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए, टिके रहिए एंड इनहेल बायोलॉजी।